मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज क्लास 7 चैप्टर 14 डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। हमने लास्ट वीडियो में यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि कन्वर्सेशन ऑफ स्टेटमेंट फ्रॉम इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट स्पीच। हमने पहले पढ़ा डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, फिर पढ़ा हमने इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट। अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करते हैं। देखिए, सबसे पहला रूल है द इंट्रोगेटिव फॉर्म इज चेंज इनटू द असर्टिव फॉर्म। सबसे पहला क्या है कि इंट्रोगेटिव फॉर्म को हम असर्टिव फॉर्म में चेंज करते हैं। मतलब अगर ये जो क्वेश्चन होता है उसको हम स्टेटमेंट में चेंज कर देते हैं, क्योंकि डायरेक्ट में तो हम क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं, लेकिन जब हम रिपोर्ट कर रहे हैं किसी को जाके, जब हम किसी को जाके रिपोर्ट करते हैं तो वो क्वेश्चन नहीं पूछते, हम रिपोर्ट करते हैं। इट मीन्स हम कहते हैं उनसे, तो कहना और क्वेश्चन पूछना दोनों अलग अलग बातें हैं, इसलिए हम इसको असर्टिव फॉर्म में चेंज कर देते हैं। और जो वर्ब होती है वो आफ्टर सब्जेक्ट लगाई जाती है, दैट इज द वर्ब इज प्लेस्ड आफ्टर द सब्जेक्ट। वर्ब इज प्लेस्ड आफ्टर द सब्जेक्ट। द मार्क ऑफ इंट्रोगेशन इज ड्रॉप्ड एंड रिप्लेस्ड विद द फुल स्टॉप। मार्क ऑफ इंट्रोगेशन इज ड्रॉप्ड एंड रिप्लेस्ड बाय अ फुल स्टॉप। द इंट्रोगेटिव फॉर्म एंड द इंट्रोगेटिव फॉर्म आर यू इज चेंज इन टू द असर्टिव फॉर्म ही वॉज। आर यू को हमने ही वॉज में चेंज कर दिया। आपको टेंस रिलेटेड चेंजिंग पता है कि अगर यहाँ पर कंटिन्यूस है प्रेजेंट कंटिन्यूस, तो यहाँ पर हमने पास्ट कंटिन्यूस कर दिया। देन द रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज इन टू वर्ब्स सच इज आस्क्ड, इंक्वायर्ड, वंडर्ड, क्वेश्चन्ड, डिमांडेड और वॉन्टेड टू नो। तो रिपोर्टिंग वर्ब का जो ये सेट टू है इस चेंज अकॉर्डिंग टू द इंटेंशन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में जो भी इंटेंशन है, इंक्वायरी का है, वंडर्ड का है, क्वेश्चन है, डिमांड है, तो उनको हम अकॉर्डिंगली हम चेंज कर देते हैं। और हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि जो यहाँ पर कंजक्शन, तो पहले तो दैट आता था, लेकिन जब यहाँ जो डब्ल्यू एच वर्ड जो होता है वही कंजक्शन होता है इनडायरेक्ट स्पीच में भी। यहाँ हम दैट नहीं लगाते हैं। तो ही सेड टू हिज सिस्टर वेयर इज अ लेटर। ही आस्क्ड, सेड टू इज चेंज इनटू आस्क्ड बिकॉज ऑफ द इंटेंशन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। ही आस्क्ड हिज सिस्टर वेयर द लेटर वॉज। उसने अपनी सिस्टर से पूछा कि लेटर कहाँ था, वेयर द लेटर वॉज। अब ये सब्जेक्ट के बाद हमने इज को वॉज में चेंज किया, लेकिन ये सब्जेक्ट के बाद रखा ताकि ये असर्टिव फॉर्म में चेंज हो सके। Questions with verbs such as do, does or did are changed into indirect speech by using whether or if. Whether or if हम sorry हम दोनों चीज़ें लगा सकते हैं। जैसे he said, did you use my fountain pen? उसने कहा क्या तुमने मेरा पेन यूज़ लिया था। तो he asked me, उसने मुझसे पूछा कि if I had used his fountain pen। देखिए, did, do और does वाले जो भी क्वेश्चंस होते हैं हम उसको if या whether में चेंज करते हैं, क्योंकि जो if होता है ये इस कंजक्शन हम ये लगाते हैं कि क्या, that का that की जगह हम क्या करते हैं यहाँ पे if लगाते हैं अगर कोई helping verb से स्टार्ट होता है क्वेश्चन। क्योंकि अगर कोई wh word से स्टार्ट होता है तो wh word ऑटोमेटिकली खुद ही क्या हो जाता है, काम करता है कंजक्शन का, लेकिन हम यहाँ पर if यूज़ में लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे you चेंजेस अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। तो ऑब्जेक्ट तो यहाँ कोई है ही नहीं, तो हम अपने आप को, जब यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो हम अपने आप को अज्यूम कर लेते हैं। तो यू को जब हमने यहाँ अपने आप को अज्यूम किया तो यू का यहाँ क्या हो जाएगा, आई। और डिड पास सिंपल है तो हमने यहाँ पे कर दिया पास्ट परफेक्ट, आई हैड यूज्ड। अब यहाँ हैड को हमने यहाँ ना करके वर्ब सब्जेक्ट के बाद लगाया, जो कि आपको ये वाला जो इंटेंशन है आपका रूल कि सब्जेक्ट के बाद रखी जाती है ताकि ये असर्टिव फॉर्म में चेंज हो सके। अनु सेड टू मी, डू यू वॉन्ट टू गो फॉर ए वॉक इन द वुड्स। अनु ने मुझसे पूछा कि क्या तुम वुड्स में, वुड्स मीन्स जंगल, जंगल में वॉक करना पसंद कर, वॉक के लिए जाना चाहती हो। तो अनु आज़मी वेदर आई वॉन्टेड टू गो फॉर ए वॉक इन द वुड्स। इन इंट्रोगेटिव, इन नेगेटिव क्वेश्चंस विद वर्ब्स सच एज डू और डिड, देखिए जहाँ यहाँ मैं आपसे क्या कह रही थी कि डब्ल्यू एच वर्ड जो होता है वो अपने आप में कंजक्शन होता है, और जहाँ डिड और डज और डिड और डू ये सब आते हैं इसमें हम इफ़ लगा देते हैं। ओके,
अब देखिए इन नेगेटिव क्वेश्चंस विद वर्ब्स सच एज डू और डिड द वर्ड वाई कम्स फर्स्ट फॉलोड बाय द सब्जेक्ट एंड द नेगेटिव वर्ब. देखिए अगर डू और डिड के साथ कोई अगर नेगेटिव फॉर्म में आते हैं जैसे डोंट या डिडंट आता है तो वाई के जस्ट बाद ये डोंट और डिडंट नहीं आते हैं. पहले सब्जेक्ट आता है उसके बाद पहले वाई आता है फिर उसके बाद सब्जेक्ट देन डोंट और डिडंट देन ऑब्जेक्ट. ही सैड टू कनिका वाई डोंट यू लर्न ड्राइविंग. डायरेक्ट में तो ये एक्चुअल वर्ड्स आ गए कि वाई डोंट यू लर्न ड्राइविंग. तो ही आस्क्ड कनिका वाई शी डिडंट लर्न ड्राइविंग. डोंट डिडंट में चेंज हो गया सिंपल सिंपल. एंड यू कनिका के अकॉर्डिंग शी वाई शी डिडंट लर्न ड्राइविंग. यस और नो क्वेश्चन क्वेश्चन दैट बिगिन विद ऑक्सिलरी वर्ब्स लाइक इज एम आर वॉज वर हैज हैव एंड हैड आर इंट्रोड्यूस्ड इन इनडायरेक्ट स्पीच विद वर्ड्स लाइक इफ वेदर एंड वर्ड्स लाइक आस्क्ड इंक्वायर्ड एज सॉन. एग्जाम्पल देखिए जूही सैड इज समथिंग मिसिंग फ्रॉम द ड्रॉर. जूही आज इफ समथिंग वॉज मिसिंग फ्रॉम द ड्रॉर. इफ अब इज पहले था और समथिंग बाद में था. अब यहाँ हमने समथिंग पहले रखा और इसकी पास्ट फॉर्म वॉज करके हमने बाद में रखा क्योंकि हमको इस क्वेश्चन को रिप्लेस करना था फुल स्टॉप से. क्वेश्चन को हमें इनडायरेक्ट स्पीच में असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना होता है इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं पहले सब्जेक्ट देन वर्ब को रखते हैं. देखिए शी सेड हैव यू फिनिश्ड राइटिंग द एसे. शी आस्क्ड इफ आई हैड फिनिश्ड राइटिंग द एसे. हैव से स्टार्ट हुआ हमने इफ से किया यू का आई फिनिश सेकेंड फॉर्म थी हमने हैड फिनिश थर्ड फॉर्म कर दिया मतलब पास्ट सिंपल को पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया. अबे आस्क्ड टू मी आर यू अफ्रेड ऑफ हाइट्स आई सेड नो. अबे आस्क मी वेदर आई वॉज वेदर यू आई हो गया क्योंकि ये जो है इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है आई वॉज अफ्रेड ऑफ हाइट्स एंड आई रिप्लाइड. अब आई सैड था तो मैंने कहा तो आई सैड किस में आएगा रिप्लाइड में उसने जवाब दिया ना नो दैट आई रिप्लाइड दैट आई वॉज नोट. अब ये जो आई सैड नो है ये असर्टिव सेंटेंस है तो असर्टिव सेंटेंस में हम दैट कनेक्शन लगाते हैं तो आई रिप्लाइड दैट आई वॉज नॉट. अब नो जो है अपने आप में एक पूरा सब्जेक्ट में आपसे कहूँ नो तो आप समझ जाओगे नो आई वॉज नॉट तो इसलिए हमने यहाँ पे आई एम नॉट होगा तो यहाँ पर हमने कर दिया आई वॉज नॉट. द वर्ड नो इज इक्वल टू वन कम्प्लीट सेंटेंस इन द अबाउ एग्जाम्पल द रिप्लाई नो आई एम नॉट देयर फॉर वी हैव कन्वर्टेड आई एम नॉट इन टू द इनडायरेक्ट स्पीच आई वॉज नॉट. वेन डायरेक्ट क्वेश्चन और डब्ल्यू एच वर्ड क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन और डब्ल्यू एच वर्ड क्वेश्चन आर चेंज इन टू द इनडायरेक्ट स्पीच द वर्ड ऑर्डर इज सेम इज दैट ऑफ अ स्टेटमेंट. अगर कोई डब्ल्यू एच वर्ड वाला जो क्वेश्चन होता है उसको जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो जो स्टेटमेंट का जो एक वर्ड ऑर्डर होता है वही सेम इसमें होता है जैसे द वर्ब कम्स आफ्टर द सब्जेक्ट डब्ल्यू एच वर्ड लाइक हु हूज हुम व्हाट व्हिच व्हेन व्हाई वेयर एंड हाउ आर रिपीटेड. रिपीटेड मीन्स ये रिपीट हो जाते हैं मीन्स टू से इट वर्क्स इटसेल्फ एज अ कंजक्शन. ही सैड टू दीपांकर हु इज योर फेवरेट बैट्समैन. ही आज दीपांकर हु एज इट इज आ गया रिपीट हो गया योर इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा हीज हो गया योर का हीज हो गया हु हीज फेवरेट बैट्समैन वॉज. विशाल सैड टू हिम वैन डू यू वॉन्ट टू लीव. विशाल आज हिम वैन ही वॉन्टेड टू लीव यू हिम के अकॉर्डिंग तो हिम का क्या हो जाएगा सब्जेक्टिव केस ही तो ही वॉन्टेड टू लीव. शी सैड टू द लिटिल बॉय वेयर आर यू योर पेरेंट्स. शी आज द लिटिल बॉय वेयर हिज पेरेंट्स वो. ठीक है ये सेम वर्ड ऑर्डर होता है जो कि किस में होता है स्टेटमेंट में होता है. क्वेश्चन बिगिन विद विल और शेल आर चेंज इन टू इंडायरेक्ट स्पीच बाई यूजिंग वेदर इफ वैन देर इज अ चेंज इन टेंस. विल शेल आर चेंज इन टू वुड और शुड. विल और शेल शेल किस में चेंज हो जाता है वुड और शुड में चेंज हो जाता है. आई सेड टू क्रिश विल यू लैंड मी योर बाइनोक्यूलर्स. आई आस्क करिश वेदर ही वुड लैंड मी हीज बाइनोक्यूलर्स. मधु सेड टू हर शैल वी बाय अ न्यू वॉशिंग मशीन. मधु आज हर इफ दे शुड बाय अ न्यू वॉशिंग मशीन. शैल शुड में चेंज हो गया और विल वुड में चेंज हो गया. क्वेश्चंस बिगनिंग विद कैन और मे आर चेंज इन टू इनडायरेक्ट स्पीच विद द चेंज इन टेंस. देयरफॉर कैन एंड मे आर चेंज इन टू कुड और वुड. मे जो होता है वो वुड में चेंज हो जाता है और कैन तो कुड में होता ही है. हिना सैड टू मी कैन यू हेल्प मी टू कैरी दिस क्वेश्चंस अपस्टेयर्स कार्टन्स अपस्टेयर्स. हिना आस्क्ड मी इफ आई कुड हेल्प हर टू कैरी दोज कार्टन्स अपस्टेयर्स. तो आपका यहाँ
हो जाता है आपका कंप्लीट इंट्रोगेटिव सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच. थैंक यू.